जमील अहमद प्राइम न्यूज इंडिया और संचार टाइम क्राइम न्यूज के खास बुलेटिन में आज हम यहां पर बेलगावी के खंजर गली में जो AIMIM की ऑफिस है यहां से भी एक कैंडिडेट MIM ने खड़ा किया है। उस सिलसिले में हैदराबाद से कॉर्पोरेटर यानी ऑब्जर्वर बनकर यहां पर पहुंचे हैं। टोटल बेलगावी में नॉर्थ बेलगावी में 6 कैंडिडेट को AIMIM ने खड़ा किया है। इस सिलसिले में ऑब्जर्वर जो यहाँ पर आए हैं महमूद हुसैनी जो हैदराबाद के कॉर्पोरेटर भी है महमूद हुसैन जो हैदराबाद से कॉर्पोरेटर भी है, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि AIMIM जो बेलगाम महानगर पालिका के इलेक्शन में अपनी दर्ज करा रही है अपनी अपने जो सीट खड़े कर रही है इसका मकसद क्या है। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को मौका दिया कि आवाम के बीच में पैगाम पहुँचाने का। सदर मजलिस नकीब मिलत बैरिस्टर रुद्दीन अवीसी साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से यहाँ पर 6 कैंडिडेट बेलगाम शहर में इंतखाबात के लिए आवाम के बीचों बीच में अपना नुमाइंदा बनाकर रखे हैं। और इसकी वजह यह है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन तकरीबन बेलगाम शहर में डेवलपमेंट चाहती है और इस 6 वार्ड में हमारे कैंडिडेट हैं। कैंडिडेट मोहम्मद मुश्ताक साहब वार्ड नंबर 2 से, मोहतरमा जोया साहिबा वार्ड नंबर 1 से, मोहतरमा सना साहिबा 37 वार्ड से, आलम साहब वार्ड नंबर 12 से और शाहिद पठान साहब 18 से। हमारे यहाँ के जो लतीफ़ साहब है जो कर्नाटक स्टेट के जनरल सेक्रेटरी भी है मोहतमद भी है, उनकी तवसी से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 6 वार्ड हमने सेलेक्ट किए हैं और 6 वार्ड पर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन इलेक्शन लड़ रही है। और यही नहीं, कर्नाटक में हमारे उम्मीदवार गुलबर्गा में भी हैं, हमारे उम्मीदवार हुबली में भी है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 6 उम्मीदवार यहाँ पे बेलगाम शहर में भी हैं। कुल हिंद इत्तेहाद मुस्लिमीन का अज़्म यही है कि यहाँ पर डेवलपमेंट चाहिए। डेवलपमेंट यकीनन है कि ये उम्मीदवार जो हमने सेलेक्ट किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन उम्मीदवार है और हमने सर्वे किया है, काफ़ी दिन से यहाँ पर इस शहर में हैं। हमने सर्वे करने के बाद में अवाम के बीचों बीच में जाकर ये हमने जाना है कि अवाम तब्दीली चाह रही है डेवलपमेंट की बुनियाद पर। फिर एक बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि अवाम यहाँ पर तब्दीली चाह रही है डेवलपमेंट की बुनियाद पर, क्योंकि पिछले जो कॉर्पोरेटर्स थे उन्होंने यहाँ पर डेवलपमेंट का काम कुछ नहीं किया। और मैं ये तयकुन दिलाता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप इन उम्मीदवार को आप मुंतखब करेंगे आपके वार्डों में इंशाल्लाह ताला तरक्की का काम बेहतरीन तरीके से। और मैं तमाम बेलगाम शहर के लोगों से मैं अदबन गुजारिश करूँगा कि मेरे भाई जाना बैरिस्टर सुद्दीन अवीसी साहब 30 तारीख को तशरीफ़ ला रहे हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए आप आए। और साथ ही साथ इंशाल्लाह ताला कुल हिंद इत्तेहाद मुस्लिमीन के तमाम MLAs भी यहाँ पर बेलगाम शहर में भी कैंपेनिंग के लिए आ रहे हैं और ये तय है कि इंशाल्लाह ताला 6 वार्डों में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जीत होगी। और हमने आवाम से जाकर उनके करीब जाकर मालूम भी किया कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने कि उनके दिलों में किस तरीके से मोहब्बत है और आवाम तस्लीम कर रही है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को यहाँ पे भारी हसीरत से जिताने के लिए शुक्रिया। और एक दूसरा क्वेश्चन मेरा यह है कि जिस तरह से महानगर पालिका के इलेक्शन में आप कदम रखे हैं क्या आगे जो आने वाले विधानसभा इलेक्शन है उसमें भी AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब कुछ अपना रोल अदा करने की कोशिश करेंगे या वहां पर भी अपने सीट खड़ा करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह ये पॉलिसी डिसीजन रहेगा
हम जब पालिका में आए हैं तो इंशाल्लाह ताला बेलगाम शहर के हर इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादे उलूस हिस्सा लेगी, और यही नहीं मजलिस इत्तेहादे उलूस मुस्लिमीन हर चीज़ में यहाँ पर रहेगी आवाम के मसाइलों के लिए, आवाम के जो भी जद्दोजहद करना पड़ेगा चाहे ऐवान बलिया में हो या ऐवान पार्लियामेंट में हो, इंशाल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादे मुस्लिमीन बराबर बेलगाम शहरियों के लिए उनके लिए बराबर काम करेगी। शुक्रिया। ओवैसी साहब हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ लीडर हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में माने जाते हैं और एक शेर की तरह पार्लियामेंट में वो हर जगह थाटते हैं हक बात के लिए, क्या आज वो डर मुसलमानों के दिलों से या दलितों के दिलों से निकालने की कोशिश करेंगे? लाखों दिलों का ये देखो बेटा जो भाई की झलक पर सारा जमाना है फिदा, लाखों दिलों का ये देखो बेटा जो बादशाह, भाई की झलक पर सारा जमाना है फिदा, हर इसके काबिल है भाई की हर एक अदा। बेलगावी साउथ महानगर पालिके के इलेक्शन में अट्टू भोपाल बी को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। टिकट देने का मकसद यही है कि अट्टू भोपाल कम से कम 15 साल से लोगों की सेवा करता हुआ आ रहा है, ऐसे शख्स को वोट देना, और वार्ड नंबर 23 के लोगों से हम अपील करते हैं कि ऐसे शख्स अट्टू भोपाल बी को जिता कर लाए और लोगों की मदद करने के लिए और भी उन्हें मौका दे, क्योंकि आज हमें ऐसे ही लोगों की जरूरत है ताकि लोगों की मदद हो सके। हम अपील करते हैं आप आइए इन्हें अपना कीमती वोट देकर जीता कर लाइए। यकीनन सदर मजलिस मोहतरम अली जनाब बारिश सिद्दीक ओवैसी साहब मर्द मुजाहिद है, वो आज भी कोई बॉडी गार्ड नहीं रहते, आपके शहर में भी आएंगे अकेले आएंगे, वो मर्द मुजाहिद है, चाहे हिंदुस्तान के कोई भी कोने में हो वो अकेले जाते हैं, और इंशाल्लाह ताला उनको चाहने वाला मजलिस इत्तेहादे मुस्लिमीन का सच्चा सिपाही कभी डरता है ना कभी डरेगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। वार्ड नंबर 2 से जो मुश्ताक शफी तहसीलदार साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं जो AIMIM के कैंडिडेट हैं, मुश्ताक भाई आपको ये जज्बा ये जोश AIMIM में आना और उससे जो बैठकर उनकी पार्टी से बैठकर इलेक्शन लड़ना ये कहाँ से आपने सीखा, इतनी ताकत आपको कहाँ से आई, इतना जज्बा कहाँ से? सबसे पहले आवाम को पूरे बेलगाम की मेरी तरफ से सलाम पेश करता हूँ। मेरा जो आपका सवाल है ये जज्बा कहाँ से आया इलेक्शन में, हमारे बैरिस्टर असलीन सोहेल साहब उनकी तरफ से मुझे जज्बा आया, क्योंकि मैंने देखा है कि 3 तलाक के बिल के लिए हमारे दूसरे लीडर्स भी थे दूसरे दूसरे पार्टी से, लेकिन जो असलीन सोहेल साहब सामने जो पार्टी भी है वो पार्टी की आँख में आँख मिला के वो बिल फाड़े हैं, उनको कोई भी साथ नहीं दिया, वो जज्बा हम देखे हैं। और इंशाल्लाह हम हैदराबाद भी गए थे, हैदराबाद में जितने भी कॉर्पोरेट्स है MLAs है MIM की मजलिस के हमने उनका काम देखा है, यहाँ पर हमने सिर्फ एक ही में मशगूल किए गए रोड गटर ड्रेनेज लाइट और पानी, हमको उसके आगे 5 चीज़ के बगैर 6वीं चीज़ सिखाई नहीं गई अभी से नहीं पहले से पुरखों से, 6वीं चीज़ हमको बताने वाले असदुद्दीन ओवैसी साहब है, वो हमारा खुला शेर है, गब्बर शेर है, शेर नहीं बब्बर शेर है, तो इंशाल्लाह मैं छोटा शेर बन के कॉर्पोरेशन को जाऊंगा। आप लोगों की मेहनत से और ताकत से आप वोट देने से आपके वार्ड के लोगों को आप एक छोटी सी अपील कीजिए, क्या अपील करना चाहेंगे MIM के बारे में और आपका क्या लोगों का रुझान बदलना चाहते हैं? MIM के बारे में मैं यही बताना चाहता हूँ, MIM पार्टी खुद आप मोबाइल पे देखते हैं और MIM पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सोचो आप इन्हों अपने खर्चे में जो हमारे कॉर्पोरेट सब आके बैठे हैं अभी अवेलेबल है कॉर्पोरेट्स, इनको क्या बेलगाम घूमने का शौक नहीं है, इन्हों जो आए MIM पार्टी से यहाँ कैंडिडेट बैठना जैसा उन्हों वर्क कर रहे हैं हम खुद करना, ये हमें बताने के लिए आए, मैं तो अपना वार्ड अपना गाँव अपना शहर अपने लोग छोड़ कर आने का इनको शौक नहीं है, क्या बेलगाम में घूमना खाने पीने का शौक नहीं है, आके अभी फिलहाल 4 दिन हो गए कैनवासिंग इंशाल्लाह आज से स्टार्ट हुई हमारी, तो डोर टू डोर हमारे भाई साहब सब बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, और हमारा मकसद ये है कि 5 काम में जो आपको रुकाए हैं इंशाल्लाह 6वां काम से स्टार्ट करना है, वो 6 से 26 काम है वो आपको इंशाल्लाह तफसील में बताऊंगा। अपील कीजिए लोगों से, मेरी अपील यही है कि हमारा निशान पतंग है
पतंग को ओढ़ दीजिए, मुझे मत जिताइए, आप खुद जीतिए। पतंग को ओढ़ देंगे तो आप खुद जीतेंगे, तो छवा काम स्टार्ट हो जाएगा। पांच काम आप दूसरे पार्टी को दे रहे हो, छवा और छवा काम आपको कर लेना है, छवे से छब्बीस तक, तो आप खुद को काम कर लेना है। तो आप खुद को वोट डालना है इस बार। हर बार तुम पार्टी को वोट डाले, इस बार आपको खुद को डालना है। तो सोचिए, समझिए, फैसला कीजिए। आप पांच मिनट का वक्त पतंग को दीजिए और पतंग आपको पांच साल देगी इंशाल्लाह। कैमरामैन मोहम्मद अमीर के साथ मैं जमील अहमद। तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम न्यूज इंडिया, संचार टाइम, क्राइम न्यूज। इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, इमीडिएट सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। लाइक और शेयर करना, कॉमेंट्स करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि ये चैनल जो है सिर्फ सच्चाई की आवाज दिखाता है। जय हिंद।